अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं चौधरी खलील अहमद गिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल FCCTV। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि एहसन जट और वसीम जट के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था रामपुर दोम में, तो आज जो है ना उसी सिलसिले में ये वीडियो है और ये ब्लॉग भी उसी सिलसिले में टोटल जा रहा है। आज मुकाबले का दिन आ गया और जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्राउड भी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले जो शौक भी रखते हैं कि वेट लिफ्टिंग होनी चाहिए। इलाके में बहुत अच्छा ये मुकाबला और सिस्टम है। इसी के साथ हम आपका जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज जो है ना हम आपको वसीम जट और एहसन जट के मुकाबले की तरफ लेके जा रहे हैं, हम आपको उधर ही लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं FCCTV और जो वेट लिफ्टिंग का मुकाबला ईद के दूसरे दिन था, आप ये देख रहे हैं। हम आपको ये कवरेज दे रहे हैं कि ये 108 किलोग्राम जो एहसन है चैंपियन रामपुर दोम का, ये दोबारा ये वज़न 108 किलोग्राम उठाएंगे। पहले भी इन्होंने आज से दो माह पहले 60 दिन पहले इन्होंने ये 108 किलोग्राम ये वज़न यहाँ से उठाया था और ये दोबारा इंशाल्लाह ताला जैसे कि इन्होंने कहा था कि ईद के दूसरे दिन हम ये वज़न उठाएँगे। और 10,000 रुपया ये चैलेंज था जो लड़का था गोजरे का, उन्होंने ये हमें ये कॉल बैक भी की थी, उन्होंने चैलेंज कबूल किया था कि हम ये 10,000 रुपये का चैलेंज कबूल करते हैं और ईद के दूसरे दिन इंशाल्लाह ताला हम आएंगे और वज़न उठाएंगे। फ़िलहाल तक वो इधर नहीं पहुंचे, हम उनके इंतज़ार कर रहे हैं और ये वज़न 108 किलोग्राम एहसन ये दोबारा ट्राई करेंगे। देखें आप ये, हम आपको ये दिखा सकते हैं, ये 10 किलो की प्लेट है, ये 15 किलो की प्लेट है और ये 22 किलो की है और राड का वज़न है 108 किलोग्राम का ये वज़न है जो ये एहसन जो चैंपियन है रामपुर दोम का, ये वज़न की कोशिश करेंगे। बदन अली पूरा करो छोटी देखा कि जो है ना एहसन जट ने 108 किलो वजन उठाया और जो है ना लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया और 8-9 हज़ार रुपए उसका जो है ना इनाम भी बन चुका था। वसीम जट जो है आज मुकाबले में नहीं आ सके, उन्होंने कॉल की कि मैं थोड़ी सी मुसरफियत की बिना के ऊपर जो है ना मैं नहीं आ सकता। ईद का तीसरा दिन यानी कि आज का दिन अब जो है ना वसीम जट और एहसन जट का जो है मुकाबला शाम 5 बजे का तय हो चुका है गिल जर्री फार्म के बिल्कुल सामने जो है ना वेट आएंगे और ये सब इलाके वालों को भी दावत है कि शाम को 5 से 5:30 बजे के दरमियान जो है ना इनका मुकाबला होगा और सारे इलाके वाले भी जो है ना तशरीफ़ लाएंगे और हम जो भी व्यूवर्स हैं देखने वालों को हम दावत देते हैं कि रामपुर दोम और गिल जर्री फार्म के बाहर ये मुकाबला होगा, उनको भी दावत है कि वो आए और जो है ना मुकाबला देखें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।